अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। सर ये सब क्या? जैसे आपने हमारे प्यार को अपनाया है शालू जी, हमको भी अपना लीजिए। विशेष जी, इतनी सारी तैयारी, आपको यकीन था कि हम? हमको अपने प्यार पे यकीन है शालू जी। आप सब यहाँ? हमने कहा ना शालू जी, हमको अपने प्यार पे भरोसा है। अब सगाई हो गई तो सास का नेक देना तो बनता है ना। बधाई हो। ये लो बेटा ले। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं। अरे अरे ले लो बिटिया, सब उनको नाही नाही कहते। हाँ साली, ये अंगूठी इसे इसको पहना दो, इसके बिना रस्म पूरी नहीं होती। हाँ हाँ दीदी, जल्दी।
कीजिए। हाँ दीदी। निर्मला बच्चू नहीं आया क्या? अम्मा जी वो आ तो रहे थे लेकिन अचानक से कोनो मीटिंग आ गया है तो हुआ चले गए। अरे विदाई करने आएंगे ना, सब साथ में आएंगे। भाई ना सबका एक साथ फोटो निकाले का? हाँ लो ना। क्यों नहीं, चलो चलो आओ बच्चों, चलो। हाँ चलो चलो चलो। एक मिनट एक मिनट। आओ बच्चों। Smile, please. इसे कहते हैं एक तीर और दो शिकार। और कमाल की बात यह है कि किसी को कानो कान खबर नहीं होगी कि शिकारी आखिर था कौन। चंदा बाबू कहाँ चल दिए अचानक, कोई खास बुलावा है क्या? अरे कहाँ ललिता जी, अब वो दिन कहाँ रहे हैं हमारे? वो कहाँ है ना, घर में बैठने की आदत नहीं है तो सोचा जाकर किसी दोस्त से मिला। वैसे भी आपने और आपके बेटों ने तो हमारी छुट्टी कर दी है। चंदा बाबू आप ठहरे भले इंसान, इसलिए लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं और ये बात हमें अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, हम आपकी अच्छाई सोचते हैं और आप है कि हमें ताना मारना नहीं छोड़ते। अरे नहीं ललिता जी, हम आपको ताना कहाँ मारते हैं, कहा है ना काम करने की आदत है। इसलिए जब घर में बैठते हैं तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने हमारे हाथ पैर काट के कोने में पटक दिया है। हम जानते हैं, समझते भी, लेकिन आप नहीं समझ रहे। हम नहीं समझते का मतलब? आप नहीं समझ रहे कि आपकी पीठ के पीछे क्या क्या चल रहा है। मेरे पीठ पीछे क्या मतलब? ये देखिए, आप ही थे ना जो इन लोगों को बार बार समझाते थे कि विशेष और शालू एक दूसरे को पसंद करते हैं, उन दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। और जब आज ये दोनों एक हो रहे हैं तो ना रंजू ने आपको पूछा ना उसकी बेटियों ने। पांडे जी के पास उसका रिश्ता लेके आप गए थे, इस रिश्ते की नींव आपने रखी थी, पर उन लोगों ने आपको दूध में से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिया। दुनिया ऐसी है सोना बाबू, जब तक उनको लगा था कि आपकी जेब में माल है तो आपसे चिपके रहे, अब उनको पता है कि आपसे उनको कुछ मिलने नहीं वाला है तो अपनी असलियत दिखा रहे। आपने रंजू को छोड़ा था ना, इसलिए उसकी बेटियां आपकी बेइज्जती करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। ध्यान से देखिए फोटो, यही है उन लोगों की असलियत। दीदी विशेष जी आपको इतने रोमांटिकली प्रपोज करेंगे ये तो हमने सोचा भी नहीं था। We'll be right back.
गुडुआ कब आए? अम्मा बेटी की सगाई होने की बधाई देने आया। कुछ राजी खुशी से हो गया होगा ना? हाँ वही हुआ ही होगा जिसकी वजह से ये रिश्ते का बीज पड़ा था, उसे बताना जरूरी नहीं समझा। पर बताते भी क्यों, अब तो हमारी जरूरत ही नहीं है। अम्मा हम कह रहे थे ना, ये रंजू और इसकी बेटियों का जिंदगी का बस एक ही मकसद है, जब मौका मिले जहां मौका मिले गुड्डू मिश्रा की बेइज्जती करें। और यही किया ना इन लोगों ने। अम्मा इस रिश्ते के लिए हमने भी तो बात की थी बच्चू पांडे से, लेकिन तब माँ बेटी ने एक ही सुर में हमारी बात काट दी थी। और आज हमें दरकिनार करके वो इस रिश्ते के लिए राजी भी हो गई, और अब ये सब देखकर बात तो एकदम साफ हो जाती है ना। अरे गुड्डू तू अपने दिमाग से फालतू बात निकाल दे। अरे सालू तू शादी के लिए हाँ भी नहीं की थी। अरे उका माँ ये तो हाँ भी हो गई है और सगाई भी। अम्मा ये सब मिलकर आपकी आंखों के सामने पर्दा डाल सकती है, लेकिन हमारे नजरों के सामने नहीं। ये रंजू और इसकी बेटियां ये सब हमसे सिर्फ नफरत करती है, और इस नफरत का जहर बोया है इस रंजू ने। मिश्रा जी बात समझने की कोशिश कीजिए, जब आप रिश्ता जोड़ना चाहते थे तब ना हमारे पास नौकरी थी और ना ही हम विशेष जी को जानते थे। लेकिन अब तो सब कुछ हो गया ना, हम तो परमात्मा से सिर्फ एक ही प्रार्थना करते हैं कि तुम दोनों की जोड़ी हमेशा सलामत रहे। लेकिन हमें नीचा दिखाकर तुम लोग ऊंचे नहीं हो सकते। ललिता जी सही कहती थी, तुम लोग ने कभी हमें अपना माना ही नहीं। रंजू मिश्रा तुम इन लोगों के मन में हमारे खिलाफ कितना भी जहर भर दो, लेकिन ये बात कभी नहीं बदलेगी कि दुनिया की नजरों में आज भी तुम हमारी पत्नी हो, और वो भी एक काम। मिश्रा जी बात पूरी कीजिए ना, वो भी आपकी छोड़ी हुई औरत। बस आप ही का कहना बाकी था, कह लीजिए आप ही। लेकिन मिश्रा जी ये जो घाव है ना, ये तो बहुत पहले भर चुका है, अब इसे आप पूरे देंगे भी ना तो भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि हमने सच्चाई अपना ली है। और अगर आप भी सच्चाई अपना लेंगे ना तो सही और गलत का फर्क जान जाएंगे। फर्क तो हम समझ गए रंजू, आज के बाद हम इस दहलीज पर कभी कदम नहीं रखेंगे। आज के बाद हमारा तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं। आज के बाद कभी
इनसे ऊपर उठकर आपको अपनी बेटी की याद आए ना, तो ललिता निवास के दरवाजे आपके लिए हमेशा हमेशा खुले हैं। चलिए आइएगा। शालू जी, अब चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। चाचा जी शायद गुस्से में थे इसीलिए इतना सब कुछ कह गए, और ये गुस्सा शायद उन्हें ललिता मिश्रा जी के भड़काने से आया होगा। पर उन्हें पता कैसे चला होगा? हो सकता है कि लकी विक्की ने आपके घर पर जासूसी की हो। वैसे भी इन कामों में दोनों माहिर हैं। वेल एनीवेज, परेशान मत होइए, कुछ होगा भी तो हम है ना संभालने के लिए। जी इतनी रात को हॉर्न कौन बजा रहा है? हम देखते हैं। अच्छा, हम आपको बाद में कॉल करते हैं। ओके बाय। अरे ओ पहलवान पीए मैडम, अरे सुनो जरा। मैडम जी, वो क्या है कि तुम हमारे बाप की दौलत और हमारे बीच में दीवार बन के खड़ी हो, इसलिए इतनी रात को यहां आना पड़ा। हमारे बोतल का बिल है, पास होगा? बुलबुल, अभी बात करने का कोई फायदा नहीं है, ये लड़का होश में नहीं है। क्या कहा था तुमने हमें, हाँ किराए का टट्टू? अरे किराए के टट्टू तो तुम हो, हमारे बाप की। तुम्हें क्या लगता है कि राजवीर शुक्ला के पास पैसा नहीं है? बिल्कुल, बहुत पैसा है हमारे पास, ये लो, ऐश करो जाके। ये एक रुपए की गड्डी तुम अपने पास ही रखो। बुलबुल रंजू मिश्रा को तुम्हारे खैरात के पैसों की जरूरत नहीं है। अभी तुम नशे में हो, तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों के जवाब कल मिल जाएंगे। कल क्यों? हाँ? अभी क्यों नहीं, कल तुम फिर से जाके शुक्ला जी से हमारी शिकायत करोगी, है ना? अरे हमें फर्क नहीं पड़ता है। अरे दम है तो अभी अभी फोन मिलाओ। अरे हम तो कहते हैं तुम पुलिस को बुलाओ। सब बिकाऊ है, राजवीर शुक्ला ने सबको खरीद रखा है। बुलबुल चलो अंदर, चलो चलो। हाँ हाँ जाओ जाओ, तुम्हारी औकात ही नहीं है कि तुम राजवीर शुक्ला का सामना करो। अपनी शक्ल भी मत दिखाना हमें, टट्टू बोलती है। वाह, क्या कमाल का आइडिया है मोहन का। अभी तो सिर्फ गेम शुरू हुआ है, आगे आगे और मजा आएगा। राम राम अम्मा जी। अरे राम राम, आज बड़े सवेरे सवेरे। अरे बहुरिया, अरे निर्मला और विशेष आए। नमस्ते। आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठे ना, हम चाय नाश्ता लेकर आते हैं। अरे नहीं नहीं, उसका कोई जरूरत नहीं है, आप भी बैठिए ना। अम्मा जी, हम पंडित जी को साथ में लेकर आए हैं ताकि सबके सामने वो हमारी बहू को विदा कराने का अच्छा सा मुहूर्त निकाल दे। इन दोनों की शादी अलग परिस्थिति में हुई है, पहले हम दोनों बच्चों की
कुंडली देखना चाहेंगे। हाँ हाँ पंडित जी क्यों नहीं। अरे बुलबुलिया, अरे मंदिर में जरा सालों की कुंडली रखी है, लेते तो आओ। विशेष जी की कुंडली तो निर्मला जी ने हमें पहले ही दे दिया है, वैसे एक बार इन दोनों की कुंडली वापस देख लेते हैं। अभी कुंडली मेल नया खेल शुरू करेगा और हम उस खेल का मजा लेंगे।